मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ फटाफट से केक। अगर आपको केक खाना बहुत पसंद है और बनाने में आपको बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है या फिर दिक्कत लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टॉप्स का केक मिक्स ले लें। मैंने आज ये चॉकलेट फ्लेवर में लिया है और हाँ, ये एगलेस होता है। आप चाहो तो इसमें एग यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अगर आप चाहो तो बिना एग का भी बना सकते हो। तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से होती है और ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। इसका प्राइस है 90 रुपये। ये 90 रुपये के पास में आता है, तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और ये इसका वेट है 250 ग्राम। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इस मिक्सचर को कट करके एक बाउल में निकाल लें। ये कुछ इस तरीके का होता है पाउडर फॉर्म में, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि एक भी इसमें लम्स ना हो। और इसमें हम यूज करेंगे बटर। आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 से 2 बड़ी टेबलस्पून के बराबर बटर। और अब हम इसमें फुल क्रीम, ये मैंने फुल क्रीम लिया है अमूल का, ये इसमें डाल के धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स बहुत अच्छे से करना है, इसमें कोई भी लम्स ना होने चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लें धीरे धीरे। इसमें मिल्क ऐड करें और इसे मिक्स कर लें। देखिए, मैंने इसमें 1 ग्लास फुल क्रीम मिल्क डाल के धीरे धीरे इसका अच्छे से बैटर बना लिया है। इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। बहुत अच्छे से इसे फेंट लें। इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा फ्लफी होना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरीके से ये दिखना चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए, मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे बेक करते हैं। आप अगर कुकर में बना रहे हो तो कुकर में अच्छे से आधा पैकेट तक नमक डाल के उसे अच्छे से फ्री हीट कर लें। उसके बाद एक स्टैंड रख के आप अपना ये मोल्ड रखें और उसमें सीटी ना लगाएं। और अभी मैं आज इसको ओवन में बना रही हूँ, तो मैं इसे अच्छे से इसे ग्रिस कर दे रही हूँ। आप चाहो तो इसमें मैदा भी नीचे ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो ताकि ये नीचे केक चिपके नहीं। और इसे अच्छे से इस बैटर को इसमें ट्रांसफर कर दें। जैसे ही केक को मोल्ड में ट्रांसफर कर लें, इसे अच्छे से टैप कर लें ताकि कोई अंदर एयर ना रह जाए, ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आइए इसे बेक कर लेते हैं। हम केक को ओवन में 180 डिग्री पे करीबन 10 मिनट तक बेक करेंगे। तो आप अपना 180 डिग्री करके टाइम सेट कर दें 10 मिनट का, फिर अपना केक उसमें बेक कर लें। देखिए, मैंने 10 मिनट का टाइम सेट करके अपने मोल्ड को ओवन में प्लेस कर दिया है और अब मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। जब तक केक हमारा बेक हो रहा है, तब तक आइए इसका क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया हुआ है। अब आप इसमें जितना आपको ज़रूरत हो उतना ऐड कर लें। मैंने आधा क्रीम लिया है और अब इसमें मैं एक छोटी कटोरी के भर के पाउडर शुगर ऐड करूँगी और इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना। अब देखिए, मैंने क्रीम को बहुत अच्छे से फेंट के इसे गाढ़ा कर लिया है ताकि हम अगर केक पर डिज़ाइन बनाएं तो आसानी से ये बन जाए। तो जैसा कि मैंने 10 मिनट टाइम लगाया था और फिर केक नहीं हुआ था, तो मैंने 2 मिनट टाइम और बढ़ाया था। अब आइए एक बार और टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। टूथपिक अगर क्लीन निकला तो मतलब केक हो चुका है। अब देखिए, हमारा केक बिल्कुल हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल के ठंडा करके डिमोल्ड कर लें।
तो ये देखिए, मैंने केक को मोल्ड से निकाल लिया है और एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी सा है, और इसमें आराम से टूथपिक जा रहा है, बिल्कुल क्लीन है। तो आइए अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इस क्रीम को इस पैकेट में डाल लिया है, और अब आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं आप इस पे बना लें। तो इस तरीके से आप अपना मनचाहा डिज़ाइन इस पे बना लें। तो देखिए, मैंने केक को इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।